हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तेल का। अभी मैं मौजूद हूँ कैथल में और कैथल में आज कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह, मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और ख़ास बातचीत और ख़ास प्लान कैथल के लिए क्या है, क्योंकि लगभग 10 साल से यहाँ रणदीप सुरजेवाला जो है विधायक हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का और बीजेपी का पूरा ध्यान कैथल की ओर अभी लगा हुआ है और जिला के अध्यक्ष हैं बीजेपी के अशोक गुज्जर जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी देखिए, खबर तहलका का मैं यहाँ आज के इस कार्यक्रम में पहुँचने पर और आपकी जो टीम आई है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। क्या प्लान है भाई साहब अब की बार कैथल में कमल खिलाने का? देखिए, ये कोई एक प्री प्लान कोई तरीका नहीं है कि यहाँ प्री प्लान तरीके से कमल खिलेगा, ऐसी कोई सोच ऐसी कोई रणनीति नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी को और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को एक अवसर इस प्रदेश की जनता ने दिया है सेवा करने का, तो 4.5 साल के इन कार्यकाल में इस प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 4.5 साल में निरंतर इतने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं। अगर हम बात करें कैथल ज़िले की, तो कैथल ज़िले में मैं यूँ कहूँ कि लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल ज़िले की चार विधानसभाओं में किए हैं और एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति जनता का बना है। उस विश्वास के आधार पर, उस विश्वास के बलबूते के पर हम अब की बार लोकसभा का जिस प्रकार से हमने ये चुनाव जीता और उसमें कैथल ज़िले ने 1,80,000 की रिकॉर्ड तोड़ जीत लीड मार्जिन से दर्ज करवाने का काम किया, तो उसी आधार पर और जनता के उसी विश्वास पर जो हमारा विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें हम निश्चित रूप से कैथल ज़िले की चार विधानसभा सीटें रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने का काम करेंगे। लक्ष्य हमारा मनोहर द्वारा कैसे, क्या कुछ रोड मैप है? देखिए, ये लक्ष्य केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये लक्ष्य आज हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस का है, आम मतदाता का है, आम हर उस परिवार का है जिसके लिए इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करके उनको सीधा सीधा लाभ देने का काम किया। जो पात्र लोग थे उन्हीं को लाभ देने का काम किया। आम जनमानस के लिए आज सुविधाएं दी गई हैं। आज आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, मनोहर लाल जी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। उस बलबूते पर आज जनता की तरफ से आवाज़ आई है कि जो नारा लोकसभा के चुनाव में चला था कि फिर एक बार मोदी सरकार, उसको जनता ने सार्थक किया, उसको पूर्ण किया। अब हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी उसी नारे को लिया है कि फिर एक बार मनोहर सरकार, और इस नारे को, इस बात को पुनः चरितार्थ करने का काम लक्ष्य हमारा मनोहर दोबारा की रणनीति पर इस प्रदेश की जनता करने जा रही है। कैथल में कहते कि रणदीप ने इतना विकास करवाया है, पिछले दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है, पर यहाँ कमल का फूल क्यों खिलाएं कैथल वाले? देखिए, कांग्रेस के 10 साल के इस कुशासन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आप लोगों ने देखा और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, यहाँ पर केवल एक ही बात चलती है कांग्रेस के राज में, वन मैन शो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम जनता की जन भावनाओं पर खरा उतरने का काम करती है और जिस प्रकार से 2014 के लोकसभा के चुनाव में कैथल ज़िले की जनता ने 89,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है और आज रणदीप सिंह सुरजेवाले कहाँ नज़र आते हैं? आप आज लोग जागरूक हो चुके हैं, आज लोगों को सुशासन मिला है, आज लोगों को एक ऐसा व्यक्तित्व के रूप में आज उसके हाथों में नेतृत्व गया है जो आम जनमानस की बात करता है, जनहितेशी योजनाएं लागू करता है। कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो 4.5 साल से विधायक के रूप में हैं कैथल विधानसभा से, लेकिन वो कभी विधानसभा में जाकर के कैथल हलके की कभी आवाज़ नहीं उठाते, कभी समस्या नहीं उठाते, तो वो जनता का भला कैसे करेंगे? तो आज जनता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नकार दिया है और यहाँ एक ही सोच आई कि जो व्यक्ति कैथल विधानसभा से
कमल का फूल लेकर के आएगा, हम उस व्यक्ति को भी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ कमल के फूल को देखेंगे। ये कमल के फूल पर जो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा होगा उसको हम बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और फिर से इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रूप में आज ये प्रदेश की जनता, इस कैथल जिले की जनता, इस कैथल विधानसभा की जनता देखना चाहती है। मैं भी कई दिन से कैथल का जो है सर्वे कर रहा हूँ, टक्कर बताते हैं स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं, कई लोगों का कहना है कि टिकट के ऊपर भी डिपेंड करता है किस आदमी को जो है टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, टिकट देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है और शीर्ष नेतृत्व सोच विचार करके, हर प्रकार का आकलन करके भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत व्यक्ति को इस चुनाव मैदान में उतारेगी। और जहाँ तक बात आती है टक्कर की, अगर कोई टक्कर की कोई ऐसी बात होती, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का किसी दूसरे रूप में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई विकल्प नहीं है, और आज आप देखते हो कि अगर बात आती है टक्कर की, अगर टक्कर देने की बात अगर ऐसी, ये कांग्रेस के कुछ लोग चुनिंदा लोग ये बात करते हैं, अगर ऐसी बात थी तो कांग्रेस के लोगों को, यहाँ के लोगों को लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतर करके खुद स्वयं देखना था कि हम कितनी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। आज कोई टक्कर नहीं है, कोई विपक्ष का कोई प्रत्याशी नहीं है, सिर्फ यहाँ के हरियाणा विधानसभा की 90 की 90 विधानसभाओं में और विशेषकर कैथल जिले की चार विधानसभाओं में, और अगर आप बात कर रहे हो कैथल विधानसभा की तो यहाँ पर कोई विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, विपक्ष के पास कोई प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा। और मैं विश्वास के आधार पर कहता हूँ कि जो कांग्रेस के जो लोग आज इस भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत से तिलमिला रहे हैं, आने वाले समय में ये टिकट छोड़ करके भागेंगे और चुनाव लड़ने से इनकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ से बहुत भारी मतों के अंतर से विजयी होगी और जनता की सेवा करने का मौका यहाँ से कैथल विधानसभा से यहाँ के व्यक्ति को मिलेगा। अगर जीत की बात करी जाए तो कितनी बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत दर्ज करवा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये तो अनुमान हम इस समय कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल हम आज देखते हैं, जिस प्रकार का वातावरण आज हम देखते हैं, जिस प्रकार का लोगों के अंदर एक उत्साह हम देखते हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि विपक्षों की जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत भारी अंतर से रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से विजयी होगा। ये थे हमारे साथ अशोक गुज्जर जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कैथल बीजेपी से, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मजबूत नेता को टिकट देगी जो कि यहाँ कैथल में कमल खिलाने का काम करेगा। लगातार तेज खबरों के साथ देखते रहिए खबर तहलका।